नमस्कार, जय भोले शंकर। प्रिया दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं, आज मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूं, मुझे लगता है शायद स्वयं ही भोले शंकर ऐसी जगह पर रहते होंगे, क्योंकि आज उस भोलेनाथ की कृपा से मैं ऐसी जगह भी पहुंचा हूं जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी आज हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक भगवान शिव जी की पूजा पाठ का जो है वो एक खास तरीका होता है, और साल में कुछ महीने होते हैं जिन महीनों में विशेष पूजा पाठ की जाती है, और जिसका नाम दिया जाता है नवाड़ा। नवाड़े में हमारे समाज के योगी समुदाय के जो कुछ एक लोग होते हैं जिन्होंने उस विद्या को सीखा होता है, उस विद्या को पढ़ा होता है, उस विद्या को जो जानते होंगे, उस नाथ समुदाय के योगी को बुलाया जाता है, और वो योगी जो है उस नवाले में सारी पूजा पाठ करता है। तो आज मैं दिखाऊंगा, आज हमारे पूरे चुरा के जाने माने पहचाने जो कि हमारे बुजुर्ग लोग, मैं दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ तीसा गढ़ गौ नाल के स्वर्गीय श्री लालचंद जी, जो कि आज हमारे बीच में नहीं हैं, ये बहुत ही पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं, मैं इनको नमन करता हूँ और भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये देख सकते हैं आप इनकी फोटो इस वीडियो में, स्वर्गीय श्री लालचंद जी जो कि चुरा के जाने माने पहचाने पहलवान भी थे और नवालों में भगवान शिव जी की पूजा भी करते थे। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पर हमारे हिंदू जो धर्म के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को भी आप देख सकते हैं, ये ग्रंथ भी यहाँ पर रखे गए हैं, और साथ में जो एक शिव जी की पूजा का एक विधान है कि खास अवसर पर, जैसे नवाले में जो है ये एक दुपात्रा है, ये देख सकते हैं इसका पूरे का नाम दुपात्रा है, इस दुपात्रे से जो है इस दुपात्रे पर सुर निकाल करके योगी जो है भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, और कुछ खास अवसर पर जो है पत्र भी भरा जाता है, इसको कहते हैं पत्र, इस पत्र को भरा जाता है अनाज से। और अब मैं आपको ले चलता हूं धीरे धीरे आगे। यहां पर जो है आज की जो डेट है, अभी वर्तमान में जो है स्वर्गीय श्री लालचंद जी के पोते श्री विष्णुनाथ जी आज इस काम को कर रहे हैं, ये इनका एक पुश्तैनी काम है। तो श्री विष्णुनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी विद्या इन्होंने ग्रहण करी है अपने दादाजी से, अपने नानाजी से। ये देखिए, इन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पर माला बनाई हुई है, इस पूरे का नाम है माला। ये माला उस वक्त उस घर में रखी जाती है जब जो भी व्यक्ति, जो भी किसान बागवान भाई अपने घर में नवाले फंक्शन का आयोजन करता है, उस फंक्शन में शिव जी भगवान की पूजा की जाती है, और इस तरह की जो है माला को टांगा जाता है उस घर में। ये इन्होंने अपने हाथ से खुद अपनी मेहनत से बनाई हुई है, ये देखिए एक से बढ़कर एक माला श्री विष्णुनाथ जी ने ऐसी सुंदर खूबसूरत ये माला बनाई है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी मशीन से इस माला को तैयार किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने बिल्कुल हाथ से ही एकदम बढ़िया साफ सुथरी माला तैयार की गई है, एक से बढ़कर एक बहुत सुंदर अति सुंदर माला इन्होंने तैयार करी है, देखने में बहुत बढ़िया है, अति सुंदर है। और जब भी जिस घर में भी जहां पर भी नवाले का आयोजन किया जाता है तो उस नवाले के लिए ये एक माला को लेकर के जाते हैं, और उस घर में पूरे विधि विधान के साथ उस इस माला को उस घर के अंदर ऐसे टांगा जाता है, और पूरी रात्रि सुबह तक जो है भगवान शिव जी की इस माला के पास बैठकर पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी एक नवाले को लेकर के जो इन्होंने माला तैयार की है। अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे, आपकी मुलाकात कराऊंगा श्री विष्णुनाथ जी से। तो आप देख सकते हैं, ये है
श्री विष्णुनाथ जी। जय भोले शंकर। जय शंकर नाथ जी प्रणाम। जय भोले शंकर। तो ये रहे श्री विष्णुनाथ जी। विष्णुनाथ जी बिल्कुल एकदम अभी यंग अवस्था में हैं और बहुत ही अच्छी विद्या ग्रहण करी है। मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि इन्होंने ये विद्या ये अपने नाना जी और अपने दादाजी से सीखी है और इस विद्या को ये बेहतरीन ढंग से जिस घर में भी जो भी नवाले का आयोजन करता है, जो भी इनको आमंत्रित करता है, तो उस घर में जाकर के ये पूरी रात भर सुबह तक भगवान शिव जी की दुपात्रे पर सुर निकाल करके पूजा पाठ करते हैं और उस परिवार के लिए भगवान शिव जी से सुख शांति की कामना करते हैं। तो साथियों, ये हमारे समाज में एक हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा, जिस परंपरा को आज भी ऐसे नौजवान युवा जो श्री विष्णुनाथ जी हैं, ऐसे युवाओं ने उस विद्या को सीख करके आज भी इस परंपरा को बिल्कुल जिंदा रखा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी योगी समुदाय के लोग हैं, सबको इस तरह की विद्या को ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि एक हमारी पारंपरिक विद्या जो है वो आगे जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये चलती रहेगी। और मैं अंत में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं किन शब्दों से श्री विष्णुनाथ जी की तारीफ करूं, मेरे पास तारीफ की के काबिल मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनका काम देखकर ऐसा प्रसन्न हो चुका हूं कि जैसे मैं आज मुझे खुद ही शिवजी भगवान ने अपने पास बुला लिया है। साथियों, आप सभी से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय चुरा, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ।